नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। के न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज के मुद्दे में बात आज करेंगे हम बीजेपी की। वक्त वक्त की ही तो बात है, उरी में आतंकी हमले के बाद विपक्ष भी मोदी पर हमलावर था। यूपी के रण में तो बीजेपी इस हमले का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, सहमी सहमी थी बीजेपी, बचाव में जुटी थी। लेकिन एक मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी में फिर से जान डाल दी है। गुलाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीजेपी में भी मायूसी का दौर खत्म हो गया। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से लबरेज है बीजेपी। अब यूपी चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी बीजेपी कर सकती है। अब आज हम इसी पर करेंगे बात, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। उरी के बाद यूपी के आंगन में माया, मुलायम, राहुल के निशाने पर थे मोदी। बैकफुट पर थी सहमी सहमी बीजेपी। एक मास्टर स्ट्रोक ने बदल दी तस्वीर। सर्जिकल स्ट्राइक से फ्रंट फुट पर बीजेपी। चुनावी जंग में मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। मुद्दे और चेहरे की जनता में दुबली थी बीजेपी। सर्जिकल स्ट्राइक से सूबे में बदली तस्वीर। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद विपक्ष का हर शब्द बाण बनकर मोदी की छाती को छन्नी कर रहा था। खासकर उत्तर प्रदेश के आंगन में खड़े होकर मुखिया मुलायम सिंह यादव, मायावती और राहुल बाबा ने मोदी को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। राहुल गांधी ने तो सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया था। ये लड़ाइयां इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होती हैं। एनडीए के पास कश्मीर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उरी में सैनिक शिविर पर आतंकी हुए हमले में 18 जवानों के बलिदान से अपने देश के लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। अब यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार को खेदने का मौका मायावती भला कैसे छोड़ देती। बहन जी ने तो बकायदा मंच सजाकर मीडिया को बुलाकर बताया, इनको अपने खुद के गृहवान में भी ये झांक कर जरूर देखना चाहिए कि इन सब मामलों में इनकी यहां अपनी सरकार का अधिकार क्या उपदेश देने लायक है भी या नहीं। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर तरफ से हमले बोले जा रहे थे। इस हादसे के बाद तो हकीकत में सहमी सहमी थी बीजेपी। यूं कहिए कि पूरी तरह से बैकफुट पर थी बीजेपी। लेकिन अमावस की रात के बाद की अगली सुबह बीजेपी के लिए संजीवनी लेकर आई। गुलाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजेपी को यूपी की सियासी पिच पर भी स्ट्राइक दे दी। देशवासियों को मैं गर्व की भावना है, देशवासी गौरवान्वित हो रहे हैं, देशवासी रोमांचित हैं। देश के इतिहास में 45 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा साहसिक कदम उठाया गया है, तो इसमें इससे ज्यादा अगर कोई सोचने की का स्पेस ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। ये केवल और केवल आज का दिन भारत माता की जय का दिन है, वंदे मातरम का दिन है, वंदे मातरम गायन का दिन है। यानी कल तक बैकफुट पर खड़ी बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ खड़ी हुई और बदली हुई तस्वीर में विपक्षी भी सरकार की तारीफ करते दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव तो पूरे कश्मीर की मांग करते दिखे। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ। इसमें देश का सबसे बड़ा फायदा हुआ क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आतंकवाद किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं। देश के लोग, 125 करोड़ लोग आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।
बहरहाल दिल्ली और बिहार में हार चुकी बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी पशुपेश में पड़ी थी। एक तरफ केंद्र सरकार पर लगातार विरोधियों का निशाना और दूसरी ओर यूपी में सीएम के चेहरे की चिंता। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक ने फिलहाल उन तमाम मुद्दों को मौन कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यूपी की चुनावी जंग में भी मोदी की ये सर्जिकल स्ट्राइक कितना कारगर हो पाती है, क्योंकि चुनावी अभियान में सर्जिकल स्ट्राइक ये मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या मोदी के भरोसे ही यूपी के भंवर में उतरेगी बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। वाकई में अब्बा चुनाव नजदीक है और इससे चुनाव से ठीक पहले इस तरह का सेना द्वारा किया गया काम जिसकी तारीफ देश के कोने कोने में हो रही है और हर कोई जश्न मना रहा है मानो हमने कोई बड़ी जंग जीत ली। हाँ, जंग जीती भी है क्योंकि जिस तरीके से इस देश के 18 जवान शहीद हुए थे और एक जवान जिसने आज दम तोड़ दिया अस्पताल में इलाज के दौरान, यानी कुल संख्या होगी 19। और ऐसे में भारतीय सैनिकों ने गुलाम कश्मीर में पहुंचकर आतंकी कैंपों में धावा बोला जहां आतंकी शरण लिए हुए थे, बैठे हुए थे, छिपे हुए थे, अपने मंसूबों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन सेना ने काम किया तो तारीफ नरेंद्र मोदी की भी हुई, तारीफ केंद्र सरकार की भी हुई। अब चुनाव नजदीक है और इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, चर्चा में स्वागत भी है और चर्चा में इस बात को लेकर कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का आगामी चुनावों के लिए, तारीफ तो हो रही है सरकार की, तारीफ हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो लोग आरोप लगा रहे थे वही लोग आज कह रहे हैं नहीं, बहुत अच्छा किया है। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन तारीफ हो रही है। उरी में जो हमला हुआ था, जो बेस पर हमला हुआ था आर्मी के, उसके बाद जवान शहीद हुए और शहीदों के परिवार वालों ने भी मांग की नहीं अब तो वक्त आ चुका है, हमको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जवाब भी उसी तरीके से देना पड़ेगा जिस तरीके से वार हो रहा है। और काफी आलोचनाएं सरकार भी झेल रही थी हर मोर्चे पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, हर कोई घेरने की कोशिश कर रहा था कि 56 इंच का सीना आज 36 इंच का हो गया है लगता है ये। लेकिन तमाम मंत्रणाओं के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद सेना ने जो ऑपरेशन किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक की और गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकियों के शिविरों पर हमला बोला और 30 लगभग 38 आतंकियों को इस दौरान मार गिराया गया, तो उससे पूरे देश में जश्न का माहौल, पूरे देश में। हालांकि इसके बाद यह भी खबरें आई कि पाकिस्तान की तरफ से भी हरकत हो सकती है, पंजाब के सीमा से लगते हुए तमाम गांवों को खाली कराया जा रहा है, अच्छी बात है सुरक्षा के एहतियातन। और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी सीमावर्ती जितना क्षेत्र है उसको सीज किया गया है और वहां से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, यह सुरक्षा के नजरिए से। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, पंकज तिवारी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और अमिताभ अग्निहोत्री हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे, मास्टर स्ट्रोक तो है और तारीफे काबिल भी है, हमने 18 जवान खोए थे और उसके बाद इस तरह की जरूरत थी, ऐसा हम कुछ करें कि कुछ संदेश भी जाए और देश के अंदर जो माहौल बन रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, मोदी सिर्फ बोलते ही हैं, काम नहीं कर सकते, उसका जवाब भी दिया गया है बखूबी। हमारा आज का विषय उत्तर प्रदेश में जो चुनावी महासमर होने वाला है उसमें इस घटना विशेष का क्या असर होगा, यहां तक सीमित है। सर्जिकल स्ट्राइक पर हम बात कर चुके जी। आज हमारा विषय है कि मैं मानता हूं कि देश में, दुनिया में कोई भी घटना घटती है
उसका एक राजनीतिक असर होता है। पूरी दुनिया में यह चलन है, कोई भी घटना घटेगी बड़े पैमाने पर उसका एक राजनीतिक संदेश होगा, राजनीतिक अर्थ होगा, राजनीतिक नफा नुकसान होगा। यह तो बहुत बड़ी घटना है। अब उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में इस घटना का कितना और क्या असर, हम इसकी पड़ताल करने की कोशिश करना चाहते हैं जी। ये घटना राजनीतिक नहीं है, ये घटना तो राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति का परिणाम है, हमारी सेना की बहादुरी का परिणाम है। लेकिन इतनी बड़ी घटना है, इसका राजनीतिक जमीन पर असर होगा जरूर। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जब उड़ी में हमला हुआ, हमारे जवानों ने शहादत दी, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आंगन में सबके कटघरे में थी। बिल्कुल, वो मुलायम सिंह यादव के कटघरे में खड़ी थी, वो मायावती जी के कटघरे में खड़ी थी, वो राहुल गांधी के कटघरे में खड़ी थी। राहुल जी ने कहा था कि मोदी जी देश चलाना इवेंट मैनेजमेंट से करना नहीं है। मायावती जी ने कहा था ये कमजोर सरकार है, ये देश की हिफाजत नहीं कर सकती, उसी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि वो जज्बा नहीं है जिससे किसी को डर पैदा हो शत्रु को। अब उसके 10 दिन बाद एक परिस्थिति बदली और उस परिस्थिति ने भारत की ध्वज पताका फहरा दी, तो फिर उत्तर प्रदेश के आंगन में मसला आके केंद्रित हो गया। घटना घटी है तो उसका राजनीतिक नफा नुकसान भी होगा, किसी को फायदा किसी को नुकसान। आज चंद्रमोहन जी हैं, उनसे समझेंगे कि भाई उनकी पार्टी को कितना लाभ हो सकता है जी। हमारे भाई कांग्रेस से हैं तिवारी जी, उनसे समझेंगे भाई कांग्रेस को कितना नुकसान है इस घटना से, राजनीतिक नुकसान। सपा और बसपा के प्रतिनिधि आएंगे तो उनसे भी हम यही समझना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी जी, अमिताभ जी नमस्कार। हेलो बात ही चली जाएगी। हेलो चंद्रमोहन जी। जी चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी की आवाज आप तक पहुंच रही होगी जी, बताइए। आपकी आवाज पहुंच रही है। चलिए ठीक, अब आवाज। सवाल यह है चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और हम लोगों ने आतंकियों के शिविरों में हमला कर वहां पर आतंकियों को मार गिराया है, हालांकि ये मामला राजनीतिक नहीं है, लेकिन इस देश में देखा गया है कि राजनीतिक माहौल में फर्क पड़ता है, प्रभाव हर चीज का पड़ता है। जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो रहे थे तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, तमाम लोग, कितना होगा इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? हम लोग देख रहे थे बीजेपी मुद्दों के इतर, बीजेपी चेहरे को लेकर, बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर तमाम जगहों पर अभी तक घिरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जो सीमा पार हुआ, जो सीमा पर हुआ, उससे कितनी मजबूती बीजेपी को मिली है, उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि भारत का जो दर्शन है, भारत की जो मान्यता है, उसको बनाए रखने की, भारत के सम्मान, क्योंकि भारत वो देश है जहां खून भी देंगे जान भी देंगे, देश की माटी कभी नहीं देंगे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, मेरा देश मेरी माटी, तो इस संकल्प को मानने वाला देश भारत है। जब भारत में क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ने वाला देश है, आजादी हमने कोई प्रस्ताव पास होकर हमको आजादी नहीं मिली, हमने बलिदान के द्वारा आजादी प्राप्त की है, आजादी की रक्षा के लिए भी हम अनवरत बलिदान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश ये चाहता था, देश का मानस ये था कि हमको हर हालत में मानवता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, और भारत की सेना ने उस काम को बखूबी निभाया, हम पूरी तरीके से उसको उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आज हम इसमें श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है कि हम श्रेय लें, हम अगर इसका कोई श्रेय लेने के हकदार हैं तो भारत की जनता हकदार है, भारत का दर्शन हकदार है और भारत की सेना हकदार है। इसका अगर कोई श्रेय है, कोई है, अगर इसका कोई चेहरा है इस पूरे, क्योंकि ये देश के लिए है, ये देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वावलंबन के लिए, संपूर्ण विश्व में मानवता की रक्षा के लिए, आतंक के आतंक के
पर सवाल खड़ा करने के लिए था, जो आवश्यकता हर भारतीय है। आप देखो कि जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद में ये अमिताभ जी, जैसे हमने योग पर प्रस्ताव रखा, संपूर्ण विश्व हमारे साथ आया, इसी प्रकार से आतंकवाद पर भी जो हमारी पहल है उसमें संपूर्ण विश्व हमारे साथ आया है। तो ये भारत की जीत है, भारतीयता की जीत है, मानवता के को लेकर जो हमारा दर्शन है उसकी जीत है। और देखिए, ये देश ऐसा देश है अमिताभ जी जिसमें अगर कोई जबरदस्ती सवाल खड़ा करता है तो उसको जवाब देना देश की जनता जानती है, क्योंकि यहां सवालों का जवाब जनता को देना आता है। कोई किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो लोग उसको जवाब देना जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक देशभक्ति की बात थी, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उनके निर्वाह की बात थी, और हम इस पूरी कार्रवाई को सैनिकों को बधाई देते हैं। आप देखो हम इसमें कहीं पूरा देश खुश है, गौरवान्वित हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही कि जिसमें कहें कि ये केवल हमने किया है। नहीं, ये भारत की अभिव्यक्ति है, भारत की संपूर्णता के साथ अभिव्यक्ति है। जो इस पर सवाल खड़ा करेगा उसका जवाब देश की जनता देगी। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में इतना, आप बताओ, कभी भी कोई आतंकी हमला होता है, उत्तर प्रदेश का जवान शहीद होता है, चाहे मसला छत्तीसगढ़ का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मसला हो, कहीं से भी अगर कोई भी कार्रवाई होगी। मैं बुलंदशहर जिले से आता हूं, वो 50,000 से अधिक पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिकों का जो जज्बा है, यह सैनिकों के परिजन रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से वो चाहते थे कि एक ऐसा माहौल बने, ऐसा एक हमको अधिकार मिले कि हम ये करें। कमांडो ने कार्रवाई की, हमारे कमांडो ने बखूबी कार्रवाई की, और हमें उन्हें गर्व है कि उन कमांडो ने कार्रवाई की। अमिताभ जी, वो वही कार्रवाई है, मैं दोहराना नहीं चाहता, आपके ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था, आपके फेसबुक की वाल भी पढ़ रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि बात उतनी कहो जो कर पाओ, विपक्ष में रहते हुए चुनाव प्रचार करते हुए आप भी कह रहे थे, लेकिन आज का दिन इसको दोहराने का दिन नहीं है। हमारा संकल्प है, हमारे लिए पूजा के समान है, कि हमारे लिए पूजा के समान है भारत माता की जय। गर्व ठीक है, गर्व सबको है, गर्व सबको है चंद्रमोहन जी, लेकिन फिर मैं वही सवाल पर आता हूँ, ये बात सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन कोई भी अच्छी बुरी घटना होती है, 71 की लड़ाई इंदिरा जी ने जीती, कांग्रेस को उसका लाभ मिला, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा। हर घटना का एक राजनीतिक अर्थ होता है, ये जान लीजिए। इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव जी को कांग्रेस को भूतों और भविष्यति वाला मैंडेट मिला, 403 सीट जीतकर आए राजीव गांधी। इसका अर्थ, कोई भी बड़ी घटना राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती ही है, इसीलिए मैंने विषय रखा सोच समझ के, यूं ही थोड़ी ना। कांग्रेस के मित्र हमारे साथ हैं भाई, कुछ आप दिख रहा है क्या कि आपकी पार्टी का कुछ मामला गड़बड़ाएगा? आपकी समझ पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ अमिताभ जी, मैं आपकी समझ पर, आपके चैन पर, आपके सवाल पर मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन भारत माता की जय बोलने का है, शहीदों को नमन करने का है, और जिन्होंने ये कमांडो ने कार्रवाई की उनकी वंदना करने का है, उनका अभिनंदन करने का है। आप पर आपके विषय रखने पर सवाल नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरीके से भारत माता की जय का जयघोष करने का दिन है, जिसको रामप्रसाद बिस्मिल भी सुने, और जिसको अभी बलिदान जिन्होंने दिया है उड़ी में, वो भी उनकी आत्मा भी सुने। और वो तो हम बोल रहे हैं, जैसे जिस दिन स्ट्राइक हुआ सर्जिकल, उसी दिन से बोल रहे हैं, दोपहर 12 बजे से। भाई, भारत माता की जय बोलने है मुझे, इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं थी मित्र, जय तो हम बोल ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, होनी भी नहीं चाहिए। अमिताभ जी भी बोलेंगे, चंद्रमोहन भी बोलेगा, और जब अमिताभ जी बोलेंगे भारत माता की, तो चंद्रमोहन कहेगा जय हो, और जब चंद्रमोहन बोलेगा तो अमिताभ जी भी कहेंगे जय हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पंकज तिवारी जी, आपके पास आ रहे हैं, अमिताभ जी का सवाल आपने सुना होगा, राजनीतिक तौर पर फायदा नुकसान तो होता है, नफा नुकसान तो होता है, किस तरीके से कांग्रेस देखती है, क्योंकि उरी जो हमला हुआ था उसके बाद राहुल गांधी को भी देखा गया था कि मोदी जी पर हमला कर रहे थे, क्या सोचते हैं आप, समझते हैं? अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस के साथी भी है। जी जी पंकज जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, देश है और उसमें
कोई भी राजनीतिक दल होगा, अगर देश पर कोई बात होगी तो राजनीतिक दल होने के नाते उस पर सवाल उठाए जाएंगे। सबसे तो पहले स्ट्राइक के लिए भारत के पैरा कमांडो को, भारत की आर्मी को सैल्यूट। हम लोग उनको बधाई देते, पूरा देश निश्चित रूप से इस कार्रवाई से गौरवान्वित हुआ है, इस कार्रवाई से प्रसन्न है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब भारत के द्वारा मिला है जी। रही बात इस घटना के बाद पार्टी के, तो इस घटना पर राजनीति करने, पूरा देश कोई भी राजनीतिक दल हो सभी इस जंग में, इस कार्रवाई में भारत की सरकार के साथ है, आर्मी अपना काम कर रही है, इसमें कोई नहीं। बात रही कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस जो ये कहे हैं नहीं करेंगे उसको भारत के अंदर रह के हम सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो। अगर किसानों का मुद्दा होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा, तो हम और हमारे नेता लड़ाई लड़ेंगे। अब उसका फायदा नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, और आगे आने के बाद अभी चुनाव में समय है, और चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं होगा, चुनाव के लिए कई मुद्दे होंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता उन सारे मुद्दों पर विचार करने के बाद चुनाव में जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई में, आर्मी की कार्रवाई में पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के सिपाही खड़े हैं, सरकार के साथ भी कंधे से कंधा मिला खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। पंकज तिवारी 71 में इंदिरा जी ने लड़ाई जीती, लाभ कांग्रेस को मिला, वाजपेयी जी आए, कारगिल का युद्ध हुआ, भारत जीता, लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसमें कौन से रॉकेट साइंस है? नहीं अमिताभ जी, उरी में जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अब उस के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम उस मामले पर यह तो नहीं कह सकते कि हम अपनी पार्टी के लिए और देश की किसी बात को, अगर उनको लाभ जनता ये समझेगी कि उनको मतलब इस घटना के बाद सत्ता में उत्तर प्रदेश की लाना चाहिए, तो जनता का कर्तव्य है, जनता सोचेगी। लेकिन हम इस घटना पे ना तो कोई राजनीति करेंगे, ना इसमें हम आर्मी और देश के साथ है, इसमें हमारी कोई राजनीति अमिताभ जी नहीं होगी। लेकिन बाकी बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई है, किसानों के साथ जो भी हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता सुनेगी। ऐसा नहीं है कि जनता खाली एक सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार मिला देगी। अमिताभ जी, पंकज तिवारी जी कह रहे हैं, पंकज तिवारी मैंने ये विषय मालूम क्यों रखा, इसका एक तात्कालिक कारण और था। पंजाब के एक भाजपा के नेता ने एक ट्वीट किया, आज चंद्रमोहन जी भी संज्ञान लेंगे, और उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि उड़ी की घटना और उड़ी के बाद की प्रतिक्रिया भारत की, उन घटनाओं को देखते हुए पंजाब चूंकि सीमावर्ती राज्य है, यहां की जनता को चाहिए कि ऐसी सरकार चुने जो निर्णायक हो। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया चुनाव से मसला, तिवारी जी जुड़ गया ना चुनाव से? नहीं, बिल्कुल हम ऐसी किसी घटना को राजनीति के रूप में नहीं देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनका अपना सोचनी है, इसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया अमिताभ जी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर क्या सोचते हैं। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, वो हम जनता को बताएंगे और जनता समझेगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए अमिताभ जी हम यहां रुक रहे हैं, चंद्रमोहन जी, पंकज तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बात हो रही है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसका राजनीतिक असर कितना पड़ेगा, अमिताभ जी ने साफ बताया और देखा भी गया है इस देश में 71 की लड़ाई हो, इंदिरा जी को फायदा, आपातकाल लगा था तो नुकसान हुआ था कांग्रेस को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल में युद्ध हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, तो इससे जोड़कर देखा जाता है क्या इसको भी उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदा या नफा नुकसान के हिसाब से देखा जाए, इसी पर आज कर रहे हैं बात। चुनावी जंग शुरू होने वाली है, जंग सीमा पर,
खत्म हुई है, आतंकी मारे गए, अब चुनावी जंग शुरू होगी दिसंबर के बाद, और इसकी तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो सीमा पर हुआ उसका असर क्या चुनाव में होगा और उसका फायदा नुकसान क्या पार्टियों को होगा, इसी बात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी बीजेपी से और पंकज तिवारी जी कांग्रेस से, साथ ही साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी अभी के पास आ रहे हैं, आपने सुना चंद्रमोहन जी को भी, आपने पंकज तिवारी जी को भी सुना, किस तरीके से अब आगे की बात निकलेगी, क्योंकि नफा नुकसान आपने बताया 71 में हुआ है, कांग्रेस को हुआ, इमरजेंसी लगी तो नुकसान भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल हुआ तो बीजेपी को फायदा हुआ, ये फायदा नुकसान की बात तो है ही है। अमिताभ जी आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए मुझे लगता है इस पूरी घटना ने पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। मैं चंद्रमोहन जी से भी कहूंगा भाजपा बहुत संभल संभल के टिप्पणियां इसलिए कर रही है ताकि बेमतलब निशाने पर ना आ जाए, उसकी भी मैं संकोच समझता हूं, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उड़ी अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी और उस मोदी के नेतृत्व की सरकार दबाव में थी, कटघरे में खड़ी थी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उस वक्त विपक्षी दलों का पड़ला भारी था, परिस्थितियां बदली, पड़ला दूसरी तरफ चला, तराजू झुक गया। उसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा, जहां सबसे पहले चुनाव होगा, वो राज्य उत्तर प्रदेश है। इसलिए ये मसला है, समाजवादी पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी या बहन जी ने जो प्रतिक्रिया दी वो ये सोच समझ के उड़ी में दी होगी, उड़ी की घटना के बाद, कि अब बीजेपी को प्रेशर में रखो जी और अब ये सिद्ध करो कि मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है, फीता लेके मोदी का सीना नापो। ये अंदाज नहीं रहा होगा कि इससे भी परिस्थिति बदल जाएगी, इसलिए यहां राजनीतिक दृष्टि बदल संभावना ज्यादा है। पंकज तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहे भैया? पंकज तिवारी जी आप तक आवाज पहुंच रही हो? अमिताभ जी कह रहे हैं उसका क्या सवाल है, क्या जा? हेलो पंकज तिवारी जी आवाज पहुंच जी। राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा जरूर, कोई सवाल जी जी मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, जो सवाल अमिताभ जी ने किया है, अगर जवाब नहीं पहुंचा है, आप तक आवाज नहीं पहुंची है, सवाल ये है कि जो घटना सीमा पर हुई है उससे राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा? देखिए अमिताभ जी कह रहे हैं, अमिताभ जी बहुत ही देश के माने जाने पत्रकार हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसका कितना फायदा होगा, नहीं होगा, नुकसान होगा, इस मुद्दों के लेकर हम कतई सरकार उस घटना को लेकर कोई राजनीतिक ना तो बयान और ना कोई राजनीतिक बात, अगर कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन अगर देश की बात है तो हम देश के साथ खड़े हैं उसका। लेकिन मेरा मानना है कि अभी चुनाव में 4 महीने बाकी है और हम सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार के जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता को बताएंगे कि किसानों की दशा क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या दशा है महंगाई की, इन सारे मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे। एक मुद्दा, एक उड़ी घटना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने नहीं जा रही, और बाकी अगर उड़ी की घटना उनको चुनाव जिता रही है तो ठीक है, उसके बाद भी हम देश में उस उड़ी जब देश में पाकिस्तान की बात आई है और देश की बात आई तो हम लोग देश के साथ खड़े, राजनीति करने के लिए देश काफी है। अमिताभ जी, पंकज तिवारी मैं एक आपको घटना याद दिलाता हूं, कारगिल के बाद वाजपेयी जी की सरकार वापस आई जी, लोकसभा में चंद्रमोहन जी गौर से आप भी सुनिएगा, लोकसभा में राजेश पायलट खड़े हुए कांग्रेस की ओर से
और राजेश पायलट ने ईमानदारी से कहा, जो आप और पंकज तिवारी बोल रहे हो वैसा नहीं किया, गुनी गुनी बातें नहीं, उन्होंने दिल की बात की, मन की बात। तो राजेश पायलट ने लोकसभा में कहा कि भाई कारगिल ने आपको चुनाव जिता दिया वाजपेयी जी, जिस गांव में शहीद का शव पहुंचा उसने 70 गांव प्रभावित किए और कांग्रेस पिछड़ गई। यह राजेश पायलट का ऑब्जर्वेशन था लोकसभा के पटल पर। तो परिस्थितियों का असर तो पड़ता है पंकज तिवारी जी। नहीं, मैंने अमिताभ जी ये कहा ही नहीं कि परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता है, परिस्थितियों का असर पड़े और कोई भी बात, लेकिन इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे, मैंने तो ये कहा। और अभी कारगिल और 71-76 जैसी घटना देश में नहीं है। ठीक है, आज हमारे देश के स्वाभिमान पर एक देश पड़ोसी देश ने चोट पहुंचाने की कोशिश की और उसका भारत की तरफ से करारा जवाब मिला है, हम उसके लिए बधाई देते हैं और हम देश के साथ खड़े हैं। अब उसका परिदृश्य क्या होता है, इसका किसको लाभ होता है अमिताभ जी, किसको नुकसान होता है, ये बात की चीज है। लेकिन आज हम देश के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं कि किसी भी तरह से अगर देश पे कोई बात आएगी तो कांग्रेस का एक एक वर्कर देश के साथ खड़ा नजर आएगा। अच्छा चंद्रमोहन जी से एक सवाल पूछ लूं। चंद्रमोहन जी, इस घटना से पहले, उड़ी प्रसंग से पहले पूरे प्रदेश में एक ही सवाल भाजपा फेस कर रही थी कि भाई आपका, आपकी बारात का दूल्हा कौन, आपका चेहरा कौन, और भाजपा उसी सवाल पर मुंह चुरा रही थी। राइट फ्रॉम अमित शाह जी टू केशव मौर्य, सब मुंह चुरा रहे थे उसी सवाल पर। हर जगह आपसे एक ही प्रश्न होता था, दूल्हा कौन, नायक कौन। लोग कहते थे कांग्रेस ने चेहरा बता दिया, अखिलेश जी खुद चेहरा है, मायावती जी खुद चेहरा है, भाजपा का चेहरा कौन, तो भाजपा उसी पर गोलमोल करती थी। अब उस दुविधा से, उस असहज स्थिति से कुछ बाहर निकले हैं ऐसा लग रहा है। तो आदि सुनी नहीं मिलता कि चंद्रमोहन जी आप तक आवाज पहुंच रही है जी। सवाल यह है कि एक दुविधा में बीजेपी ब्रेक हो गई। नहीं, बीजेपी कभी दुविधा में नहीं थी, बीजेपी बिल्कुल दुविधा में नहीं थी। जब अमिताभ जी के साथ चंद्रमोहन चर्चा कर रहा था तब भी दुविधा में नहीं थी, जनता के साथ संवाद कर रहा था चंद्रमोहन तब भी दुविधा में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दुविधा नहीं थी। हमारे पास क्योंकि हम वैचारिक राजनीतिक दल हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की असंख्य ताकत है। 1,20,000 बूथों का हमने गठन किया है और हम बूथ इकाइयों का गठन कर रहे हैं और बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रहे हैं, जिनसे बूथ अध्यक्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा संवाद कर रहे हैं। और आज हमारे पास जैसा नेतृत्व है, मूल्यों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है, ऐसा नेतृत्व किसी के पास में नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। और आपको मैं फिर कहूंगा कि हम एक परंपरा के हैं, भारतीय जनता पार्टी एक परंपरा का नाम है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार का नाम है। और आप देखिए कि जहां तक बात लगातार अमिताभ जी कह रहे हैं, अमिताभ जी उत्तर प्रदेश को बारीकी से समझते हैं, और इस समझ को मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे उत्तर प्रदेश की जनता, इसकी समझ पर हमको कतई भी वो नहीं है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, वो कैसी जवाबदेह सरकार चाहती है, वो चाहती है कि जवाबदेह सरकार। चंद्रमोहन जी, बाकी जो 3 पार्टियां हैं प्रमुख यूपी में वो परिवार की पार्टियां हैं ये कह रहे हो? अब परिवार की पार्टियां हैं उसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी किसकी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। मायावती जी को अगर उत्तर प्रदेश से प्यार होता तो वो राज्यसभा नहीं जाती, वो उत्तर प्रदेश में आके उत्तर प्रदेश के सदन की सदस्य रहती, लेकिन वो चुनाव हारी और चली गई। क्यों चली गई? वो आज का दिन उसकी चर्चा का नहीं है। आज हम अमिताभ जी हम बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के गांव, आज उत्तर प्रदेश के वो गांव
जहां तक कोई माध्यम नहीं पहुंचा है, वो गांवों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है, वहां का बच्चा भी कह रहा है। आज आप छोटे बच्चों के बीच में भी देखोगे ना, तो वो भी भारत पाकिस्तान अपने खेलते समय भी कह रहे हैं कि तू पाकिस्तान है मैं भारत हूं। तो ये जो भारत पाकिस्तान जो विषय था, जो सवाल था, उस सवाल का उत्तर दिया है। और जहां तक चुनाव परिणाम की बात है अमिताभ जी, तो आप जानते हैं कि चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम वही होगा जो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता, वो चाहती है क्या परिणाम आना चाहिए, उसे पता है कि मेरे मुद्दे क्या है, उसे कोई सस्पेंस नहीं है, उसमें कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में स्पष्टता है, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जैसी राजनीतिक समझ, उत्तर प्रदेश जैसी राजनीतिक समझ किसी भी प्रदेश में नहीं है अमिताभ जी, इसलिए कहीं कोई दुविधा नहीं है। आज का दिन पूरी जोर से आपने कहा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की भारत माता की जय में जयगान नहीं, लेकिन सब जानते हैं पंकज तिवारी जिस ओर इशारा चंद्रमोहन जी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, कुछ आप लोगों को भी समझ में आया क्या क्या तय कर लिया है? सत्ता हटाने के लिए आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई। अमिताभ जी, वो चंद्रमोहन जी का अपना दिवा स्वप्न है, इनके पास नेता ही नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में इनके पास नेता होता और इनका अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता तो ये विश्वास स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं करते, ये विश्वास ब्रजेश पाठक पे नहीं करते, ये बाकी लोगों पर विश्वास करते अपने कार्यकर्ता और अपने नेता के बल पर चुनाव जाते। भारतीय जनता पार्टी अमिताभ जी उत्तर प्रदेश में डस्टबिन बन चुकी है, किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता निकाला जाए भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेने के लिए आतुर है, क्योंकि ना तो इनके पास अपने कार्यकर्ता है और न इनके पास कार्यकर्ताओं का विश्वास है और न इनके पास नेता है, न इनके पास नेतृत्व है। अगर नेतृत्व होता चंद्रमोहन कल्याण सिंह जो दो दो बार देने के बाद बाहर हुआ, बाद में उनको मजबूरी में राजस्थान का राज्यपाल बना। दुविधा में है कि हम किसको, लड़ाई चल रही पार्टी के अंदर, कौन आज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और इनके पास चंद्रमोहन जी प्लीज केवल कांग्रेस है। और कांग्रेस जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल है, लेकिन एक भी बार राहुल गांधी जी ने अखिलेश यादव जी से सवाल किया क्या? एक भी बार विधानसभा मार्च किया क्या? नहीं कर सकते वो विधानसभा मार्च, वो अखिलेश जी की अनुकंपा पर लोकसभा में है। अमिताभ जी आ, लोकसभा में अगर वो है अखिलेश यादव, राहुल जी ने अखिलेश से भी सवाल किया, नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया, आपके हिस्ट्री सीटर अध्यक्ष ठीक है, चंद्रमोहन जी सुन भी लीजिए, समस्या को लेके एक बार भी आपने विधानसभा के लिए सरकार तुम्हारा और समाजवादी पार्टी का गुरुकुल एक है, एक जगह सुए हो समय समय पर एक होते रहे हो जी, और पीछे हाथ करके गलतियां करते हो। जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, जिस दिन समाजवादी पार्टी कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को। उत्तर प्रदेश में हर गांव से खबर है कि कौन है, किसका सीना 56 इंच का है, कौन सवाल खड़े कर रहा है, हर सवाल का जवाब बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। पंकज तिवारी जी कंप्लीट कीजिए। अच्छा एक भाई पंकज तिवारी चंद्रमोहन जी एक मिनट दोनों लोग बोलोगे तो बात नहीं आएगी, तो बात नहीं आ पाएगी मित्र, एक एक बोलो, एक मैं कुछ बातें तो सही है। देखो जैसे एक बात जो इन्होंने कही चंद्रमोहन जी ने, आप तिवारी जी आपकी पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतना पड़ा, ये सच है, अमेठी रायबरेली दोनों जगह। और ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी को कन्नौज में कांग्रेस से मदद लेनी पड़ी, ये दोनों बातें सच है। ऐसा नहीं, हाँ ये बात भी सही है पंकज तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के लिए आपको अगर अपने केशव मौर्य पे भरोसा होता तो दूसरे मौर्य काहे को लाते, स्वामी प्रसाद मौर्य। ये बात पंकज तिवारी की भी दुरुस्त है, अमिताभ जी सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश को अपने मौर्य पे भरोसा कम, उसका स्वागत है, हम तो आग्रह करेंगे। अरे कौन से सबका विकास, आज विचारधारा की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सी गाली ऐसी नहीं है जो हिंदू देवी देवताओं के आपके विचारों को दी है? आप सक्रिय राजनीति में हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सर मानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता से।
माफी मांगनी चाहिए चंद्रमोहन जी। भारतीय जनता पार्टी में आओ अमिताभ जी। क्या नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी अटल जी के विषय में? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा था अडवाणी जी के लिए? और क्या नहीं कहा था नरेंद्र मोदी के लिए? जंगल राज को समाप्त करने के लिए अमिताभ जी आपका अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। झूठ के बल पर एक बार सरकार में आ गए, एक बार आपके झूठ को जनता ने स्वीकारा, अब कभी नहीं स्वीकार करेगी। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, जनता किसके साथ है सब जानते हैं। आप कहां कहां चक्कर में पड़े हो पंकज जी, सब जानते हैं जनता क्या चाहती है। जनादेश को आप नहीं जानते। अरे आप अगर जनता को जानते हो तो सवाल ही करते हैं आप। लेकिन दोबारा ना अटल जी आए पंकज जी, खास सवाल इसलिए कर रहे हो। आपको मोदी भी दोबारा गांव का पता नहीं, खेत का पता नहीं। आप चंद्रमोहन जी एक मिनट देखिए, दोनों बातें सच थी। एक आरोप आपका कांग्रेस पर दुरुस्त था, एक कांग्रेस का आप पर आरोप दुरुस्त है। अर्ध सत्य नहीं चलेगा। अर्ध सत्य नहीं है अमिताभ जी, पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सत्य के साथ राजनीति करती है, अर्ध सत्य के साथ नहीं करती है। पंकज तिवारी जी, सदैव झूठ बोल के ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है, उसकी बुनियाद झूठ पे है। चंद्रमोहन जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, सदन में आपके प्रधानमंत्री कहता है राम मंदिर मुद्दा मेरा एजेंडा रहेगा, जहां हुए बलिदान देश के लिए, देश के सम्मान हमारा है। पंकज तिवारी की आपकी टिप्पणी आई थी आपके एक कार्यकर्ता की, मुझे टिप्पणी अच्छी लगी, मैंने भी उसको ट्वीट किया कुछ संशोधन करके। उसने कहा कैडर के कंधे पर अवसरवादी दूल्हे भाजपा के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश से अमिताभ जी जंगल राज मिटाना है, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैं आपसे आग्रह करूंगा अमिताभ जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी पत्रकारिता को छोड़कर, जैसे उत्तर देश के इतिहास में बहुत सारे पत्रकारों ने राजनीति में भाग लिया, आप भी राजनीति में प्रवेश कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश से प्यार है, अमिताभ जी आप आओ और राजनीति के हिस्सा बनो, सक्रिय राजनीति में भागीदारी करिए। अमिताभ जी आज समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर माफी मांगेगा, आपको याद रखेगा चंद्रमोहन जी। अमिताभ जी आएंगे, ये मानने को तैयार नहीं है, नफा नुकसान नहीं देख रहे हैं अपना, आरोप प्रत्यारोप। अरे भाई ये कुछ कह रहे हैं पंकज तिवारी, इनकी बात तो सुनो। पंकज तिवारी जी, चंद्रमोहन जी ये कुछ कह रहे हैं पंकज तिवारी, इनकी बात तो सुनो भाई। क्या सुना है, आवाज ही नहीं इनकी पहुंच पा रही है, इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इनका जनता से कनेक्शन नहीं है। पंकज तिवारी जी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सच बात चंद्रमोहन जी, सुनना नहीं चाहते हो। आपको अब डॉक्टर की, भारतीय जनता पार्टी को ना ईएनटी विशेषज्ञ की जरूरत है, ना कान गला की इलाज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी आप जनभावनाओं को पहचानते नहीं है, आप जनभावनाओं की कद्र नहीं करती है कांग्रेस। अगर जनभावनाओं की कद्र करती तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जनता से कनेक्शन ही कट गया। माफी मांगेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूर करेगी आजादी के इतने वर्षों बाद करने के बाद में खास सभा कर रहे हो आप? सर मानी चाहिए आपको। पंकज जी ये जवाब नहीं देंगे, किसानों का अपमान है खास सभा। शर्म भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आनी चाहिए, शर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आनी चाहिए जो समय समय पर सत्ता के अपने विचार बदलते रहते हैं। बंबई से कोई लाए, कोई दिल्ली से लाए, उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है क्या? पंकज तिवारी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना देते, एक दिल्ली से लाते हैं, एक बंबई से लाते। आपको पता ही नहीं है कि शीलादित्य जी कहां की है, आपको पता ही नहीं है। और आप इसमें ठीक है चंद्रमोहन जी, आप नरेंद्र मोदी जी को ही लाए हो, सब जानते हैं। हमारे यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, को वो नहीं जानते। कैसी बातें कर रहे हैं आपके आपके क्या हाल हो रहा है सब देखने यात्रा में, आप प्रसिद्धियों में आने के लिए क्या क्या कर रहे हो आप यात्रा ठीक है। आप अपने हाल की चिंता करो, मेरे हाल की छोड़ो।
सारी जगह जहां जहां चुनाव हुए दिल्ली से लेकर बिहार तक जो जनता बता चुकी है और यूपी में भी बता चुकी है। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी समय कम है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो ठीक है। नरेंद्र मोदी पर उड़ी हमले के बाद निशाना साधा जा रहा था और आगामी चुनावों में क्या चेहरे की तलाश जो बीजेपी कर रही है वो तलाश अभी भी जारी है या फिर नरेंद्र मोदी के सहारे ही आप लोग चुनावी जंग में जाने वाले हैं? अंतिम सवाल है ये। हेलो, किससे सवाल है ये? आपसे ही है मोदी साहब। देखिए पंकज जी, पंकज रौतेला जी, जी भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश से जंगल रात में जाना चाहती है जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संरक्षण में सपा बसपा ने जो जंगल राज पैदा किया है उसको मिटाने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। सेनापति चाहिए होगा ना, चाहती है कि इनको इनका स्थान दिखा दिया जाए। सेनापति तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेनापति है।